जांजगीर चांपा जिले में शनिवार की रात 5 से अधिक सशस्त्र लोगों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने 8.5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और 1.5 लाख रुपए के कैश समेत 10 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर अकलतरा पुलिस डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। अकलतरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 गुरु घासीदास मोहल्ले में शिक्षक किशोर देवांगन का घर है। शनिवार को परिवार वाले खाना खाकर सो रहे थे। रात को 1:30 बजे घर के पीछे किचन का दरवाजा तोड़कर 4 नकाबपोष बदमाश घर में घुस गए। इस बाद उन्होंने कमरे में सो रही बच्ची और बुजुर्ग महिला को चाकू दिखाकर बंधक बना लिया। जहां यह वारदात हुई वह कलतरा थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर है। वारदात के वक्त शिक्षक किशोर देवांगन और उसकी पत्नी ऊपर के कमरे में सो रहे थे। वहीं नीचे के कमरे में किशोर देवांगन का भाई सो रहा था। उस कमरे का दरवाजा आरोपियों ने बाहर से बंद कर दिया। दूसरे कमरे में किशोर की मां त्रिवेणी देवांगन और किशोर की बेटी नीचे सो रही थी। चारों बदमाश बुजुर्ग के कमरे में घुसे और उनके हाथ पैर मुंह को बांध दिया। उनके साथ मारपीट की। महिला की पोती के मुंह को एक बदमाश दबाकर बैठ गया। चाकू की नोक पर दादी पोती को बंधक बनाया गया। इसके बाद आरोपियों ने कमरे की अलमारी में रखे 8.5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और 1.5 लाख रुपए नकद लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी 4 नकाबपोश बदमाश पीछे के रास्ते से पेड़ की टहनी पर साड़ी की रस्सी बनाकर नीचे उतरे और फरार हो गए। बुजुर्ग महिला त्रिवेणी देवांगन ने घटना की जानकारी घर के ऊपर कमरे में सो रहे अपने बड़े बेटे किशोर देवांगन और छोटे बेटे को दी। इस बात पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। आरोपियों को पकड़ने और सबूत जुटाने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। मौके पर SP विजय अग्रवाल भी पहुंचे। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। बिलासपुर से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। मामले की जांच की जा रही है। 4 नकाबपोश अज्ञात लुटेरों के खिलाफ धारा 394 458 के तहत अकलतरा थाना में मामला दर्ज किया गया है। मामला बेहद संगीन है। प्रदेश में अपराध इतना बड़ा रूप ले चुका है कि घर का दरवाजा बंद करके भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह गया है। चोरी डकैती लूटपाट जैसे अपराधों के लिए अब कठोर सजा का प्रावधान करना बेहद जरूरी हो गया है।